वीर से झगड़ा ही क्यों किया? मिस यू वीर, तुम कहाँ हो? जिन तो मुझे पता नहीं चुलबुल कहाँ है। प्लीज जल्दी से चुलबुल को ढूंढकर यहाँ लाओ। ओके बॉस, अभी लो। ये चुलबुल हमेशा परेशान करता रहता है। अच्छा ही हुआ जो यहाँ से चला गया। एक काम करता हूँ, बॉस को कोई दूसरा सीधा साधा सा डोंकी लाकर देता हूँ। अरे क्या सोचने लगे जिंटू, जल्दी करो ना। हाँ करता हूँ, ये लो, ये आ गया चुलबुल। चुलबुल तुम कहाँ थे? पता है ना तुम्हारे बिना मैं कितना उदास हो जाता हूँ। तो तुम अभी तक गुस्सा हो? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें गाजर ला कर देता हूँ। ये लो गाजर, खाओ और गुस्सा भूल जाओ। धैचु, धैचु, धैचु। हरी हरी घास खिलाने के बजाय गाजर दे रहा है, मुझे क्या खरगोश समझा है? मैं नहीं खाऊंगा गाजर, जा। अरे बस बहुत गुस्सा हो गया, अब खाओ ना गाजर। मैं गाजर तो नहीं खाऊंगा, लेकिन हाँ तुझे लात जरूर खिलाऊंगा। क्या कर रहा है? हवाई जहाज बनकर उड़ना है तो लैंड करने के लिए क्या मेरी ही कमर मिली थी तुझे? सॉरी अंकल। वाह वाह, क्या लात मारी है डोंकी ने वीर को। ले बेटा ले, एक गाजर मेरी तरफ से भी खा और एक लात और मार वीर को। हाँ हाँ, उसे तो मारूंगा ही, पर पहले एक लात तू भी खा। मेरी कमर तोड़ डाली, आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा बंटी के बच्चे। ये हमारा चुलबुल नहीं हो सकता, चुलबुल इतना बदतमीज और गुस्से वाला नहीं है। चुलबुल कहाँ हो तुम? मैं क्यों अपने दोस्तों को छोड़ के आया, अब उससे कैसे मिलूंगा? हो गया, जा मेरी रोबोट बर्ड, चुलबुल जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ कर लाओ। चुलबुल चुलबुल जा। चुलबुल चुलबुल वीर, ये तुमने क्या बनाया है और ये चुलबुल को ढूंढने में कैसे हेल्प करेगा? ये एक रोबोटिक बर्ड है जिसमें मैंने चुलबुल का फोटो अपलोड कर दिया है। ये देखो, ये हर डॉग। ओके। हाँ, ये जमीन के नीचे वाइब्रेशन क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। बाल बाल बचा, ये तो मेटल का सांप है, यानी कि रोबोट है जो मेरे लिए ही आया है। जरूर मैड मैक्स ने भेजा होगा इसे। ये क्या है वीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जहाँ तक चड्डा अंकल की कार का सवाल है, वो ठीक नहीं है। हाँ, मेरी कार? ओए मेरी कार कहाँ गई? हाँ? ये अचानक? अंकल हट जाओ जल्दी। अरे हम हटते नहीं, लोगों को हटाते हैं। जल्दी बताओ कार कहाँ है, आखिर ये गायब कैसे हो गई? अरे कोई मुझे निकालो। हा? कार यहाँ है। इमली, वीर, भागो यहाँ से। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, मैं इसे संभालता हूँ। कोई मुझे निकालो यहाँ से। हाँ, मैड मैक्स बहुत चालाक है, उसने ऐसा रोबोट भेजा है जो अंडरग्राउंड रह के भी तुम्हें देख सके और पकड़ सके। यही तो प्रॉब्लम है दादाजी, कि वो मुझे देख सकता है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। इस प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे पास है, ये लो एक्सरे विजन ग्लासेस। तुम अपनी रोबोटिक आई पर इन्हें पहन लो, फिर तुम भी उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ये हुई ना बात दादाजी। दादा
जी, ये रोबोट तो हमारे घर के नीचे ही है। अभी मैं जिंटू की हेल्प से इसे बाहर निकालता हूँ। जिंटू, कहाँ हो तुम? तद्दिना दिन दिन, मैं हूँ जिन, मैं हूँ जिन। कहो बॉस, क्यों याद किया? जमीन के नीचे एनाकोंडा है, उसे पकड़कर बाहर लाओ। अभी लो बॉस। ओह नो, ये क्या कर दिया तुमने? ये एनाकोंडा नहीं चाहिए, वो एनाकोंडा चाहिए जो इस वक्त हमारे घर के नीचे है। गायब करो इन्हें। आप कोई भी ऑर्डर ढंग से नहीं देते। मैं इन एनाकोंडास को वापस भेज रहा हूँ और खुद भी जा रहा हूँ। दादाजी, जिंटू तो नाराज होकर चला गया। मैं नहीं जानता कि राजा का रास्ता नहीं रोकते। तुझे इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। अरे तक दिना दिन छोड़ो और मुझे पकड़ो। ओके बॉस। अरे नीचे क्यों गिर रहे हैं? रुको, रुको! सबके सामने हवा में मत रुको, नीचे लैंड करो। ओके बॉस, लैंड करता हूँ। अरे तुम कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकते। मैं आज से इस जंगल का राजा हूँ। किसी को कोई एतराज है? तो हमें सलाम करो और जंगल में अनाउंस करो कि नए राजा आ गए हैं। सब आके उनका अभिनंदन करें। जल्दी कुछ करो, उसको नॉर्मल करो। पहले मैं राजा साहब का अभिनंदन तो कर लूं। महाराज की जय हो। महाराज, हम जैसे तुच्छ गोरिल्ला की ये भेंट स्वीकार करो। हम खुश हुए। आओ तुच्छ गोरिल्ला, लाओ अपनी तुच्छ भेंट। मेरा मतलब है अपनी भेंट। कैसा लगा महाराज? अच्छा है। अगर इसमें दो चार डायमंड भी लगवा देते तो और भी अच्छा लगता। कोई बात नहीं महाराज, ये देखिए मैं आपके लिए कुछ और भी लाया हूँ। ये दोनों बेवकूफ कौन है? महाराज, ये दोनों आपके सेवादार हैं, आपकी सेवा करेंगे। चलो मेरे सेवको, मेरी सेवा करो और तुम सब जाओ मेरी प्रजा को कहो कि आके नए राजा को सलाम करके जाएं। सामने तो असली गोरिल्ला है। क्या मस्ती कर रहे थे? चलो चलो, चल के उसे घर ले चलो। चलो, ये लड़का ठीक तो है ना? मेरे पास शेर चीते नहीं आते और इसकी इतनी हिम्मत। तुम मुझे डरा नहीं सकते, समझे? चलो और चल के चुलबुल को ठीक करो। चलो अब, वरना कान खींचूंगा। भागो! वो बलून्स नहीं बेच रहा, फिर किस लिए आया है? कुछ तो अजीब है, देखो सब बलून्स नेट में बंद हैं। अरे हाँ, और देखो बलून्स के ऊपर क्या है? ये तो बॉम्ब जैसा कुछ लग रहा है। बॉम्ब? वो आदमी भी जाना पहचाना लग रहा है। पता करते हैं वो कौन है। आइस कैमरा ऑन, टेक फोटोग्राफ। आइस कैमरा ऑन, टेकिंग फोटोग्राफ। वर्चुअल स्क्रीन ऑन, मैच फोटोज। फोटोज मैच, टिम्बक्टू। ओ, तो टिम्बक्टू यहाँ कुछ गड़बड़ करने आया है। चलो पहले उसकी पोल खोलते हैं। भाग बेटा टिम्बक्टू, तेरी असलियत खुल गई है। मूंछ दाढ़ी सब उड़ गई है, भाग ले यहाँ से। मजा आ गया। इमली चुलबुल, जल्दी से मेरे साथ आओ। कम फास्ट, हमें बॉम्ब डिफ्यूज करना होगा, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। ओए, ये बलून यहाँ कौन छोड़ गया है?
किसके बलून्स हैं ये? जिसके हो वो ले जाए, वरना मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा। मोहल्ले वालों ध्यान से सुन लो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, फिर ये बलून अपने घर ले जाऊंगा। 1, 2, 3। अब ये सारे बलून्स मेरे हैं। चंदा अंकल। ये मैं उड़ क्यों रहा हूँ? थी क्या इमली में अभी आया? पे आना और ये अनाज उठाकर ले जाना बहुत मेहनत का काम ही है रे। वीर, जिंटू को बुलाओ और इन डाकुओं को भगाओ। तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, कौन सा काम अधूरा है बोलो मेरे बिन। तक दिना दिन दिन। जिंटू वो देखो, डाकू लोग गांव वालों को डरा धमका रहे हैं। दादाजी अंदर चलिए प्लीज। दादाजी नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अन्याय सहना उतना ही गलत है जितना अन्याय करना। हम खुश हुए। अब दादाजी हमारी फिल्म का ट्रेलर देखेंगे और उसके बाद पूरी फिल्म। चमत्कार कैसे हो रहा है? लगता है ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली। और फायर करो, और फायर करो, मुझे लड्डू मिला है, मुझे संतरा चाहिए। और फायर करो, मुझे सेब और अमरूद चाहिए। अरे ये क्या जादू है रे? भागो! भगवान के वास्ते कुछ देर और फायरिंग करो, कल पूरन मासी का त्योहार है, कल के लिए फल का बंदोबस्त पूरा हो जाएगा। थैंक यू लल्लन डाकू जी, फिर आना। ये सब कैसे हो गया? यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अंकल मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कंपनी ने बच्चों के लिए कुछ नए हथियार ऐसे बनाए हैं कि जिसमें फायर करो तो ये सब चीजें निकलती हैं। हाँ वीर ठीक कह रहा है, वो हथियार शादी ब्याह और त्योहारों में चलाने के लिए बने हैं। मैंने भी पढ़ा था। कमाल है, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ऐसी चीज। लगता है लल्लन डाकू के हथियार किसी ने बदल दिए हैं। दादाजी मैं और इमली गांव घूम के आते हैं। जाओ वीर, लल्लन डाकू मिले तो उससे थोड़ी मिठाइयाँ और ले आना। इमली चलो गांव घूम के आते हैं। बिल्कुल और तेज, और तेज, हमें डाकुओं को पकड़ना है। अरे डोंकी हूँ हॉर्स नहीं, जो और तेज चलूं। जिंटू चुलबुल की स्पीड बढ़ाओ। अरे इतनी तेज नहीं, इतनी तेज नहीं, सुनो तो, अरे मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। सरदार हमारी लेजर गन्स तो ठीक है, फिर वहाँ क्या हुआ था? यही